नमस्कार, मैं हूं अक्षय आनंद। आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। आज शनिवार है तो रांची में लालू प्रसाद यादव से मिलने का दिन है। एक एक करके जो तीन मिलने वाले लोग हैं उनके आने का सिलसिला जारी है। NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को। NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, अम्हारा बेटा पटना। सबसे पहले शरद यादव ने मुलाकात की, उसके बाद सुरेंद्र यादव ने मुलाकात की, और अब रामबाबू प्रसाद लालू प्रसाद यादव से मिलने पहुंचे हैं। ये तब की तस्वीरें हैं जब रिम्स में एडमिट लालू प्रसाद यादव से मिलने के लिए आने वालों का सिलसिला लगातार जारी है और एक के बाद एक करके लोग लालू प्रसाद यादव से मिल रहे हैं। ताज़ा तस्वीरें रामबाबू प्रसाद की है। राजद के नेता हैं रामबाबू प्रसाद, जो लालू प्रसाद यादव से मिले और उसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। हम लोग देखने के लिए हम लोग कैसा स्वास्थ्य है लालू जी का? ठीक है। क्या बोले आप सर इस तरफ देख के? और कुछ बात नहीं। अरे पॉलिटिकल बात तो जरूर हुआ है छपरा के बारे में। क्या बात कर रहे हैं, हम लोग को सूचना है। सुरेंद्र जी तो आके बोले कि हो रहा है बात, आप कर रहे हैं कि नहीं? ना पॉलिटिकल बात हमसे क्या करेगा, हम कौन, हम लोग कोनो विधायक है, MP है, नेता है ना। सभी को कुछ कुछ टास्क दिया गया है। ना सब बात नहीं, कॉरिडोर में साथ में घूम रहे थे, कुछ बात हुई क्या? उधर घूम रहे थे खिड़की की तरफ, उधर सर हम लोग घूम रहे थे घूमते घूमते क्या बोले बता दीजिए। कोई बातें नहीं हुआ, यह कि मतलब क्या समाचार, तबियत ठीक है तो हाँ ठीक है। हाँ बस बस इतना आधा घंटा में ही बात हुआ ना। हाँ तो मतलब सर जी बैठे हैं। हाँ अच्छा ठीक ठीक। तो रामबाबू प्रसाद ने लालू प्रसाद यादव का हाल जाना है। स्वास्थ्य बहुत ठीक नहीं है, रिम्स में इलाज चल रहा है। वो दिन भी अब दूर नहीं जब लालू प्रसाद यादव के बेल पेटिशन पर सुनवाई होनी है। 5 तारीख को यह पता लगेगा कि लालू प्रसाद यादव बाहर आ रहे हैं या नहीं। बेटे तेजस्वी यादव का राजनीतिक कमबैक हो चुका है। वो ट्वीट कर चुके हैं कि उनके लिगामेंट का इलाज चल रहा था जिसके कारण तेजस्वी राजनीति से दूर थे, अब वापस आ गए हैं। आप बने रहे लाइव सीरीज के साथ, हर खबर हर अपडेट सबसे पहले आप तक लेकर आ रहे हैं हम। तो अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।